मार्ग प्रशस्त किया, ऐसे सादगी सौम्यता सहनशीलता की पहचान हो, क्रोध द्वेष सब न जानो, सबका सम्मान हो। कभी शांत समुंदर कभी बहता तूफान हो, कभी रुकते नहीं बाधाओं से अटक पहचान हो। विचलित मन जब सबका होता उस समय की आस हो, प्रश्न निरंतर जब आते उन सबका समाधान हो। प्यार के सागर अनुशासन कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व हो, प्रेम रस से भरे हुए आप हम सबका सम्मान हो, आप हम सबका सम्मान हो, आप हम सबका सम्मान हो। मेरा अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से इस अवसर पर संबोधन के लिए एक बार जोरदार तालियां, हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से आप आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन और अभिनंदन करें। और अब मेरा अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से संबोधन के लिए। मंच पे मौजूद हमारे दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी जी, मंच पे मौजूद हमारे विधायकगण, दिल्ली के शिक्षा सचिव और आज इस मौके पे आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों, मैं देख रहा हूँ आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर माएँ और बहनें खासकर आई हैं, इतनी महिलाएं हैं। बच्चों की पढ़ाई की चिंता माँ बाप दोनों को होती है, लेकिन माँ को ज़्यादा होती है। 24 घंटे, मेरे को याद है जब मैं भी छोटा था मेरी माँ मेरे पीछे लगी रहती थी, मेरे को पढ़ाया करती थी। पिताजी तो शाम को आते थे, पूछ लेते थे, हाँ भाई ठीक ठाक चल रहा है, हाँ जी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन माँ जो है वो बच्चे का बहुत ख्याल रखती है। तो आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर माएँ और बहनें आई हुई हैं और मैं समझता हूँ कि वो इस मौके में शिरकत करने के लिए आई है कि जब उनके बच्चों का स्कूल जो है वो बहुत शानदार बनने जा रहा है, आज उसकी आधारशिला रखी गई है। मैं समझता हूँ पढ़ाई का स्तर तो पहले से ही बहुत अच्छा हो गया है यहाँ पे। जैसे अभी आतिशी जी बता रही थी कि यहाँ पे पढ़ाई का स्तर इतना ऊंचा हो गया कि फ्रेंच जर्मन जापानीज और स्पेनिश चार विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। मैं चैलेंज करता हूं पूरे दिल्ली में जितने बड़े बड़े इतने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं आप उठा के देख लो, ये चारों लैंग्वेज अगर किसी और स्कूल में पढ़ाई जाती हो तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, आपके बच्चे के स्कूल में अब सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाती है। कितना बड़ा बदलाव आ गया और अब इसकी बिल्डिंग भी सुधर जाएगी। अभी तक तो थोड़ी बिल्डिंग में देख रहा था जैसे वो टिपिकल सरकारी स्कूल होते हैं वैसे सरकारी स्कूल टाइप बिल्डिंग है, लेकिन अभी तक विदेशी भाषाएं पढ़ा रहे थे, अब विदेशी बिल्डिंग भी बनाएंगे। जैसे अभी आतिशी जी ने कहा कि जो आपने देखी यहाँ पे इन्होंने लगा रखी है बिल्डिंग की फ़ोटो, बनने के बाद ये स्कूल कैसा दिखाई देगा, जाने से पहले सारे जने देख के जाना। जैसा आतिशी जी बता रहे थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसा स्कूल दिखाई देगा आपके बच्चों का, ऐसे लगेगा जैसे आपका बच्चा कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ गया है। सोचो कितना बदलाव आ गया 7-8 साल में। 8-9 साल पहले तक दिल्ली में सरकारी स्कूलों का कितना बुरा हाल था, कितना बुरा हाल था, और आज दिल्ली के अंदर सारे सरकारी स्कूल एक के बाद एक इतने शानदार होते जा रहे हैं, बच्चों के नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई है। पहले मजबूरी में लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते थे, लेकिन अब प्राइवेट स्कूल से भी लोग अपने बच्चों का नाम कटा कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। ये बहुत बड़े गर्व की बात है, बहुत बड़ी क्रांति आई है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब ज़्यादा प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, सरकारी स्कूल होते थे, तो जितने IAS IPS अफसर भी बनते थे वो भी सरकारी स्कूलों के ही पढ़े होते थे, जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक बनते थे वो भी सरकारी स्कूलों के ही पढ़े होते थे, जितने बड़े बड़े अरबपति वगैरह बनते थे वो भी उनमें से भी कई सरकारी स्कूलों के पढ़े होते थे। लेकिन आजादी के बाद से बड़ी तेजी के साथ, मैं तो समझता हूं षड्यंत्र के तहत,
बड़ी तेजी के साथ सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया गया और बहुत बड़े स्तर के ऊपर प्राइवेट स्कूल बनते गए, पूरे देश भर में। और ये हालत ये हो गई 90 के दशक में और 2000 में देश भर में सरकारी स्कूलों का तो बेड़ा गर्क कर दिया और प्राइवेट स्कूल इतने सारे हो गए। प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचा दी, जब मर्जी फीस बढ़ा देते थे, जब मर्जी कुछ भी पैसे लूट। सारे प्राइवेट स्कूल खराब नहीं है, पर कई स्कूल जो है उन्होंने लूट